हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार से फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, मिस्टर एंड मिसेज निराला ब्लॉग्स में। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है, क्योंकि कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो इस वजह से लेट हो गई है। लेकिन वीडियो ज़रूर आएगी, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। और देखिएगा, आज मैंने आपके साथ कुछ स्पेशल स्वीट डिश शेयर की है, तो प्लीज़ आप देखिए और इन्जॉय कीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर करूँगी रसमलाई की। तो देखिए, मैंने दो तरह के दूध लिए हैं। एक पैकेट क्रीम के ले लिया है मैंने, ये फुल क्रीम मिल्क, और ये डबल टोन मिल्क लिया है मैंने 2 kg। तो ये देखिए, मैंने नींबू लिए हैं। अब मैं इसका रस निकाल लूँगी नींबू का। और ये देखिए, दूध मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और ये देखिए, मैंने केसर भी भिगा दिया है इसमें, केसर के धागे लिए हैं कुछ, उसको थल के दूध में कटोरी में इसको भिगाने के लिए रख दिया है। इसमें इलायची भी मैंने कूट कर डाल दी है। तो ये देख सकते हैं, रबड़ी के लिए तैयार हो रहे हैं। आज मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। और ये देखिए, दूध गर्म हो रहा है। अब मैं इस नींबू का रस निकाल लेती हूँ। देखिए, 3 बड़े बड़े नींबू लिए हैं मैंने, इनका रस निकाल देती हूँ अच्छे से। दूध, यहाँ पर दूध भी हमारा बॉयल हो रहा है, उबल रहा है। तो देखिए, मैं केसर वाली रसमलाई बनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है हमारी रबड़ी भी तैयार हो रही है, और यहाँ पर ये देखिए, दूध भी बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें जो ही मैंने नींबू का रस निकाला है, अब मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगी। देखिए, गैस बंद करके जब एक बॉयल आ जाए, उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा, उसके बाद ही आप दूध डालिएगा, तभी आपका छेना अच्छे से निकलेगा, अदरवाइज़ छेना अच्छे से नहीं निकल पाएगा। तो ये देखिए, दूध को भी मैं चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे के तलवे में ना लगे। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पर जो है छेना अलग, दूध से पानी अलग हो चुका है, और छेना हमारा मिल्क अलग हो चुका है। और ये देखिए, दूध भी कड़ कड़ कर आधा रह गया है। तो अब हम इसको छलनी की सहायता से इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, इसका जो पानी है उसको निकाल लेंगे। तो मैंने छेना अलग कर दिया है, पानी अलग कर दिया है, देख सकते हैं आप। इस तरह से मैं सारा छेना निकाल लूँगी। और ये देखिए, खाली पानी पानी बच गया है ये। इसको आप किसी भी यूज़ में ला सकते हैं, आप इसका आटा भी बना सकते हैं, कुछ आटा भी गूंद सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा छेना है, ये बनकर रेडी है, निकल चुका है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, ताकि जो खट्टापन था नींबू का, वो खट्टापन ना रहे इसके अंदर। तो अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए, गर्म हो रहा है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इसको फिर भी मैं इसको वॉश कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा छेना निकला है हमारा, आप देख सकते हैं। अगर आपके घर में नींबू अवेलेबल ना हो, तो आप सिरका भी इसको इसमें डाल सकते हैं, छेना बनाने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए। तो ये देखिए, मैं इस तरह से इसको साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी अच्छे से। तो दोस्तों आप देखिए, देख सकते हैं आप, मैंने छेना अलग बर्तन में निकाल लिया है, छलनी में मैंने रख दिया था पानी निकलने के लिए। तो यह देखिए, मैंने कढ़ाई भी रख दी है। तो ये देखिए, मैं इसको इस तरह से इसका सारा पानी, एक थोड़ा थोड़ा करके सारा पानी इसका निकाल लूँगी हाथ की सहायता से। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अच्छे से इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब मैं इसको हाथों की सहायता से अच्छे से मसल लूँगी, जैसा आटा गूँथते हैं उसी तरह से मैं इसको गूँथ दूँगी। ये देखिए, इस तरह से अच्छा सा इसका एक बढ़िया सा डो बना देंगे, मतलब जिससे अच्छे से लोइयाँ इसके अच्छे से बन सके। तो हम जितना इसको हाथों से मसलेंगे, हाथों से अच्छी तरह से मसलेंगे,
उतनी ही अच्छी हमारी रसमलाई बनेगी, उतनी ही सॉफ्ट बनेगी हमारी रसमलाई। तो आप देख सकते हैं कि छीना भी कितना अच्छा हुआ है। और ये देखिए मैं इसको हाथों से मसल रही हूँ। उसके बाद मैंने एक बर्तन में, ये देखिए चीनी ली है मैंने, एक बर्तन में मैंने कढ़ाई में गैस पे फ्लेम ऑन कर दिया है, इसमें चीनी डाल दी है मैंने। इसमें भी जो मैंने छेना बनाया था इसमें भी मैंने, सॉरी, जो मैं रबड़ी के तैयार कर रही हूँ उसमें भी मैंने चीनी ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने केसर जो घोल रखा था वो भी हम मैंने इसको ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कटोरी में लगा हुआ था तो मैंने ये भी इसको अच्छे से डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से चला इसको थोड़ा सा पकने दूंगी थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाल दिया है इसमें 2 बड़े गिलास और मैंने चीनी ऐड कर दी है। अब मैं चीनी इसमें चीनी का घोल बना दूंगी, इसका मतलब गरम कर लूंगी इसको। तो देखिए दोस्तों जो हमारा ये छेना था ये रेडी हो गया है। अब देखिए इसे छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाइए हाथ से और उसके बाद हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा इसको। अब मैं सारे धीरे धीरे इस तरह से ही बना कर रख लूँगी अलग प्लेट में। तो ये देखिए छोटी छोटी सी जितने साइज़ में आप बनाना चाहें उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसमें से लोइयाँ बना के रख सकते हैं, मतलब छेने की रसमलाई बना के रख सकते हैं। तो मैं छोटी छोटी बना रही हूँ इस तरह से, मैं सारी छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार कर लूंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने छोटी छोटी सारी लोइयां बना के तैयार कर ली हैं, ये देख सकते हैं आप। 2 किलो दूध में सिर्फ इतनी ही बनी है। और ये देखिए हमारा जो है पानी भी गर्म हो चुका है, चीनी का जो पानी हमने बनाया था घोल मतलब वो भी रेडी हो चुका है। अब इसमें एक एक सॉरी हम एक एक करके इसमें सारी डाल देंगे और एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के गैप में डालेंगे। एक एक डालेंगे फिर थोड़ा वेट करेंगे, फिर दूसरी डालेंगे फिर थोड़ा वेट करेंगे। तो मैंने इसी तरह से इसमें डाल दी है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको मैं अच्छे से ढक दूंगी, इसको अभी चलाना नहीं है, इसको इसको धीरे धीरे करके अब मैंने इसको किसी उससे ढक देना है बर्तन से। तो देखिए मैंने इसमें एक प्लेट से ढक दिया है जो इसके ऊपर फिट आ सके। और गैस गैस की जो फ्लेम है वो डब्बा मत मैंने दिखा, पतीला हाई मत फ्लेम दिखा। रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है रबड़ी भी बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, मैंने लिए हैं बादाम और काजू। तो ये देखिए ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप हो सकता है आपके पास अगर पिस्ता अवेलेबल हो तो पिस्ता भी आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे। मेरे पास पिस्ता अवेलेबल नहीं था इसलिए मेरे पास जो था मैंने वही इसमें ऐड किया है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है रसमलाई बनाना, बहुत थोड़े से सामान से ही रसमलाई बनाई जा सकती है और बहुत ही अच्छी बनती है घर पर भी। तो ये देखिए हमारी जो हमने जो रसमलाई बनाई थी, जो बॉल्स बनाई थी, वो देखिए फूल कर कितनी बड़ी हो गई हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ही इसको चलाएंगे, ये देखिए ये अच्छे से डीप हो चुकी हैं, मतलब इसमें पूरे के पूरी जो चीनी का घोल बनाया था हमने वो इसमें अच्छे से मिक्स हो। तो देखिए दोस्तों अब मैंने एक जो छलनी है वो ली है मैंने, या 1-2 चम्मच भी ले सकते हैं आप। तो देखिए मैं इस तरह से चम्मच की सहायता से इसका पानी निकाल दूंगी ताकि ज़्यादा मीठी ना हो, क्योंकि हमारे जो हमने हमारी रबड़ी है वो भी मीठी है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैं एक एक करके सारी रसमलाई से पानी निकाल लूँगी, जो चीनी का पानी है इसमें क्योंकि मिल चुका होगा इसमें। तो ये देखिए मैं एक एक करके सारा का सारा इसमें ऐड कर दूँगी। तो
दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी रसना नहीं है, सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो दोस्तों अब देखिए, हमारी रसमलाई मैंने सारी ऐड कर दी है इसमें। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि रसमलाई जो है वो ठंडी ही अच्छी लगती है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो देखिए, रसमलाई हमारी ठंडी हो चुकी है, आप उसको पिस्ता या किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप भी खा लीजिए, देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।